जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। जितने भी कैंडिडेट्स जो कि SSC JD में मेडिकल फिट हो चुके हैं दोस्तों, थोड़े सभी लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, सर कट ऑफ कितना इंक्रीज होगा, ज्वाइनिंग कब तक होगी और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जब ज्वाइनिंग होगी कब तक होगी, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका फाइनल कट ऑफ कितना इंक्रीज होने वाला है और क्या आप लोगों ने मतलब जो पोस्ट के लिए अप्लाई किया था कि आपको वो पोस्ट मिलेगा कि नहीं, आपको ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो हम इस वीडियो में एक एक करके सभी पॉइंट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाली बटन दबाकर पैरामिलिट्री फोर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि बार बार कमेंट कर रहे हैं, सर इसका फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों इसका फाइनल मेरिट लिस्ट आपका अक्टूबर के लास्ट महीने यानी कि अक्टूबर के लास्ट हफ्ते में आपको फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि जो आपका मेडिकल है दोस्तों अंतिम पायदान पे अभी चल रहा है और आपका मेडिकल बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है। उसके बाद री मेडिकल के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो जिनको री मेडिकल मिला होगा वे लोग अपील करेंगे और 21 दिनों के बाद उन लोगों का री मेडिकल शुरू हो जाएगा। तो जिसको भी री मेडिकल मिला है आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार उसका इलाज अपने डॉक्टर से करा लें, यानी कि जो भी आपके पास में डॉक्टर है आप उनसे पहले इलाज करा लें, आप री मेडिकल में फिट हो जाएंगे। यानी कि आपको नॉर्मल पॉइंट मिला होगा तो आप जरूर फिट हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि टेंशन में है और बार बार कमेंट कर रहे हैं, सर मुझे री मेडिकल मिल गया और वे नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों अब मैं बात करूंगा आपका यानी कि जो भी ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों, ट्रेनिंग सेंटर भी अलर्ट होना शुरू हो चुका है, आपका ज्वाइनिंग है दोस्तों, यानी कि नए साल में आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। क्योंकि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है दोस्तों अक्टूबर के लास्ट तक आ जाएगा और आपका ज्वाइनिंग लेटर अगले एक डेढ़ महीने के अंदर इशू कर दिया जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है तो दोस्तों यहाँ पे ज्वाइनिंग यानी कि ट्रेनिंग सेंटर अलर्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अभी ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं जो बहुत सारे यानी कि ट्रेनिंग सेंटर खाली चल रहे हैं। तो दोस्तों एक एक करके सभी ट्रेनिंग सेंटर में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जैसा कि अभी SSB की हाल ही में कुछ अपडेट आई है कि SSB की ज्वाइनिंग यानी कि फरवरी से शुरू हो जाएगी। दोस्तों मेरिट लिस्ट जैसे ही आएगा उसके यानी कि तुरंत एक से डेढ़ महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी और ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिए जाएंगे, यानी कि जो भी उसके आधिकारिक ऑफिस होंगे वहाँ से आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू किया जाएगा। जैसे कि CRPF में ग्रुप सेंटर होता है और ITBP में यानी कि ट्रेनिंग सेंटर से ही बुलाया जाता है, कुछ फोर्सेज में यानी कि बटालियन से ही बुलाया जाता है। तो इस प्रकार से आपकी ज्वाइनिंग शुरू करा दी जाएगी और उसके संबंध में यदि आपको कोई भी अपडेट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और जहां तक बात रही कट ऑफ की, तो दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में कट ऑफ के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा कि कौन से स्टेट के कितने कट ऑफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं सेपरेटली स्टेट वाइज कट ऑफ बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, यदि मैं अरुणाचल प्रदेश का बता रहा हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे हैं कि सर इस स्टेट का कट ऑफ यानी कि 8 से 10 नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों इसके लिए तो मुझे सेपरेटली कट ऑफ बनाना पड़ेगा, यानी कि हर स्टेट का एक सेपरेटली कट ऑफ का वीडियो बनाना पड़ेगा जिससे कि आप लोगों का डाउट सभी क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आशा करता हूँ कि अगले वीडियो में आपको सेपरेटली कट ऑफ बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपका जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और आपका हर यानी कि कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद दोस्तों।